This news is brought to you by Pratap World School, Defence Road, Pathankot. इस कार्यक्रम में हमारे बीच हिमाचल प्रदेश के संगठन मंत्री आदरणीय सिद्धार्थ जी का सभी हितानियों के साथ हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करेंगे। इनके साथ लंबे के चुनावों की तैयारी के लिए भारतीय जनता पार्टी अलग अलग कार्यक्रम कर रही है। उसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी ऊना मंडल की बूथ पालकों की मीटिंग है जो अभी संपन्न हुई है। इसमें 100 लोगों को बुलाया गया था और प्रदेश के संगठन मंत्री श्रीमान सिद्धार्थन जी ने जो मीटिंग ली है, इसका मुख्य मकसद यही है कि आने वाले समय में जो विधानसभा के साथ साथ लोकसभा का चुनाव हो रहा है पूरे पार्लियामेंट के अंदर चारों के अंदर, ऊना विधानसभा में कैसे हम लोग एमपी की लीड ज़्यादा से ज़्यादा दिला सकें, तो उससे संबंधित कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई है। तो उस कड़ी में आज ये मीटिंग थी और अगले 2 दिन बाद परसों हमारी ओबीसी मोर्चे की भी मीटिंग है। तो ऐसे अलग अलग मोर्चों की, प्रकोष्ठों की, बूथ पालकों की, अध्यक्षों की मीटिंग चल रही है और गांवों के अंदर मीटिंग चल रही है। तो उसी कड़ी में जो मीटिंग थी और पूरी योजना इसमें लोकसभा के चुनाव की बढ़ाई गई है। मुझे लगता है कि हम सब लोगों को जो डेवलपमेंट के काम है उन कामों को जनता के सामने रखना चाहिए। पिछले 10 साल का नरेंद्र मोदी जी का इतिहास और कांग्रेस पार्टी का 52 वर्षों का प्रधानमंत्रियों का इतिहास, उसकी तुलना करके जनता को वोट डालना चाहिए और व्यक्तिगत अकेश उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए टिप्पणी के ऊपर। मुझे लगता है कि आने वाले समय में रुक जाएगी ये टिप्पणियाँ, क्योंकि कई बार जब दौर शुरू होता है तो एकदम तलखी होती है। कुछ कांग्रेस की तरफ से भी टिप्पणियाँ आई जो उन्होंने कंगना रनौत जी के बारे में बोली, जब भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स के बारे में बोले हैं, तो दोनों तरफ इन सब चीज़ों को कंट्रोल करके हमें अपने व्यक्तिगत जो एजेंडे हैं, जो हमारा डेवलपमेंट का एजेंडा है, राष्ट्रवाद का एजेंडा है, देश के मान सम्मान का एजेंडा है, गांव और गरीब का एजेंडा, उसको भारतीय जनता पार्टी आगे रखेगी और मुझे लगता है आगे जो रूप प्रत्यारोप बंद हो जाएंगे।